नंदनवन पुलिस स्टेशन अंतर्गत रात्रि के दौरान पुलिस गश्ती दल को देखकर भागने वाले आरोपी के पास से तेज हथियार, मोपेड गाड़ी समेत 60,000 रुपयों का माल जब्त किया गया है। नंदनवन पुलिस स्टेशन अंतर्गत रात्रि के दौरान पुलिस गश्ती दल को देखकर भागने वाले आरोपी के पास से तेज हथियार, मोपेड गाड़ी समेत करीब 60,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार नंदनवन पुलिस स्टेशन के पुलिस सिपाही विकास टोंग अपने साथियों के साथ गश्त पर थे। इस दौरान हसनबाग उस्मानिया मस्जिद के समीप निवासी आरोपी शेख जावेद वल शेख रहमान नजर आया। उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कई मामले दर्ज है। पुलिस गश्ती दल को देखकर वह भागने लगा। पुलिस ने उसे पहचान लिया था, इसलिए पुलिस ने भी उसका पीछा किया और उसे दबोच लिया। उसके पास की मोपेड गाड़ी की तलाशी लेने पर उसके पास से तेज हथियार पुलिस को बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस ने हथियार और मोपेड जब्त की। पुलिस ने करीब 60,200 रुपए का माल जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त परिमंडल क्रमांक 4 विवेक मसाल, सहायक पुलिस आयुक्त विजय मराठे के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक संदीपान पवार, सहायक पुलिस निरीक्षक शंकर एस धाईगुड़े, आर राउत, सिपाही टोंग, सिपाही प्रवीण भगत, स्वप्निल तांदुलकर और प्रेम कुमार खैरकर ने की है। नंदनवन पोलीस ठाण्याचे गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे पथक हे पोलीस ठाणे हद्दीमध्ये अवैध धंदे तसेच प्राणघातक शस्त्र घेऊन फिरणारे इसम किंवा आरोपी यांचा शोध घेण्याकामी पेट्रोलिंग करीत असताना एक पोलीस ठाणे अभिलेखावरील गुन्हेगार हा पोलिसांना पाहून हा संशयितरित्या हालचाली करून पळून जाऊ लागला। त्यावेळी पोलिसांनी त्याचा पाठलाग करून त्यास ताब्यात घेतले व त्याच्याकडे अंगजळती केली असता त्याच्याकडे एक लोखंडी चाकू मिळून आला व तसेच त्याच्याकडे एक मोपेड गाडी आणि दोन मोबाईल मिळून आले। तसेच त्याने यापूर्वीही पोलीस ठाणे हद्दीमध्ये गुन्हे केले असल्याने त्यास पोलीस ठाण्यास आणून त्याच्यावर भारतीय हत्यार कायदा कलम 425 अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला व त्यास अटक केलेली आहे व त्यास माननीय न्यायालयात हजर करण्यात आले आहे। त्याचे नाव आहे शेख जावेद वल्द शेख रहमान, राहणार हसनबाग उस्मानिया मस्जिद जवळ नंदनवन पोलीस ठाणे। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोब्रागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।